ये एक इशू था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो दिलाना चाहते थे कि बार बार एक महीने में तीसरी दफ़ा जिसे कहते हैं वो बठिंडी के ऊपर अटैक हुआ से कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बठिंडी में एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं, वहाँ पे अमन पसंद लोग रहते हैं। तीसरी दफ़ा एक महीने में वहाँ पे अटैक किया गया। हम सरकार की तवज्जो ये दिलाना चाहते थे कि अगर रिपीटेडली इसी तरह बठिंडी के ऊपर लोग जाते रहे और वहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के लिए गए, किसी दिन खुदा ना खास्ता वहाँ पे अगर कोई मिसहैप हो गया तो इट मे टर्न इनटू ए सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। और आपको मालूम है जम्मू और कश्मीर ये बहुत ही एक सेंसिटिव खिता है हमारे भारतवर्ष का, तो हम इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की और एलजी साहब की तवज्जो इस तरह दिलवाना चाहते हैं कि बठिंडी, सुंजवा, चवादी, गुजनगर ये वनरेबल एरियाज़ हैं, यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस की। और दूसरी बात ये है कि खुदा ना खास्ता बठिंडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं। अगर किसी को प्रोटेस्ट करना भी है किसी पॉलिटिकल शख्सियत के ख़िलाफ़, आप शेरे भवन जा सकते हैं, आप जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस ऑफ प्रोटेस्ट हैं आप वहाँ जा सकते हैं, आप डिवकॉम के दफ्तर के बाहर जाइए, आप शेरे भवन जाइए, आप प्रेस क्लब के बाहर आइए, लेकिन वहाँ बठिंडी में जाकर आप इंस्टिगेट करते हैं, वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात जो हमारी आज मेन जो कंसर्न था यहाँ पे आने का, कि जब से DDC पोल्स का बिगल बजा हुआ है तब से कोशिश की जा रही है जम्मू के अमन को, जम्मू के भाईचारे को, इस माहौल को विशिएट करने की, इस तरफ भी हम ध्यान दिलाना चाहते थे लोगों का और पर्टिकुलरली हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी का कि झगड़ा किसके साथ है आपका। हमारा बड़े इलेबोरेटली खालिद साहब ने अभी एक्सप्लेन किया, हमारा तारीखी भाईचारा है, पहले कुछ गलतियां हुई हैं 1947 की तरफ इन्होंने भी इशारा किया, अब हम उसको नहीं दोहराना चाहते। जो हमारी नई नस्ल है, देखिए हमारे बच्चे जो हैं आपस में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे ऐसा नहीं है जम्मू में कि हिंदुओं के लिए अलहदा इंस्टीट्यूशन है या मुस्लिम्स के लिए अलहदा इंस्टीट्यूशन है। हम यही बात करना चाहते हैं कि जो जम्मू का तारीखी भाईचारा है उसको बरकरार रखा जाए। बाकी एक चीज़ और जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास, हमारे साथ आज काफ़ी बठिंडी सुजवा के रेजिडेंट्स आए हुए हैं, पर्टिकुलरली हमारे गुजर और बकरवाल भाई, जो कि इस टाइम बड़े अपने आप को ओप्रेस्ड और डिप्रेस्ड जिसे कहते हैं फील कर रहे हैं, क्योंकि बार बार बठिंडी सुजवा में जाकर वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी का और एक फियर साइकोसिस का जो है जो माहौल बना हुआ है। हम सरकार की तवज्जो इस तरह दिलवाना चाहते हैं कि अगर इस किस्म का डर का माहौल यहाँ पे रहा तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो डेफिनेटली फील करेंगी कि हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं। कल शाम से हमारे जम्मू की एक नामवर शख्सियत का नाम सोशल मीडिया में चल रहा है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं वो, उन्होंने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है ये भारतीय जनता पार्टी की एक सर्जिकल स्ट्राइक है लैंड माफिया के खिलाफ। तो हम अपने भाई से जानना चाहते हैं कि वो क्लैरिफाई करें कि क्या ये वही भाई साहब हैं जिनका ये स्टेटमेंट आया था, क्या ये वही जम्मू के टावरिंग लीडर हैं या कोई और है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आज जो नाम जिसकी तरफ आप मुझे पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं उनके नाम क्यों नहीं अखबारों में आ रहे, उनके नाम क्यों नहीं, आप मुझे बताइए, हर्षदेव सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, उनके नाम ले रहे हैं, ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है क्या उनके खिलाफ एक्शन लेगी? चंद्र प्रकाश गंगा जी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ, FIR लगी उनके खिलाफ? सत शर्मा जी के खिलाफ FIR लगी कि उन्होंने बिलावर में लैंड ग्रैब किए सरकारी, उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? डॉक्टर निर्मल सिंह ने एम्युनिशन डिपो नगरोटा के पास आली शानदार महल बनाया है और इंडियन आर्मी ने 20 चिट्ठियां लिखी हैं भारतीय सरकार को, जम्मू पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को, IGP जम्मू को, क्या कोई एक्शन हुआ? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जारी रही। तो कहने की ये बात है कि करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क हमें सामने नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि DDC पोल्स के बाद मेरी जम्मू मीडिया से भी गुजारिश है, आप इस चीज़ को क्यों नहीं नोटिस कर रहे कि जब से ये DDC पोल्स का बिगल बजा है तब से जिसे कहते हैं एक विशेष समुदाय और कुछ सिलेक्टिव नाम्स जो हैं उनको मीडिया में लीक किया जा रहा है। जो नाम जिनकी तरफ जिनका मैंने नाम लिया है उनके नाम जो हैं वो क्यों नहीं मीडिया में आ रहे, उनके खिलाफ क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी सैयद शाह नवाज और जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप यहाँ जम्मू में बैठी है क्या उनको नहीं मालूम है? और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारी डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू में जो ये सिलेक्टिवली नाम लीक कर रही है, और ये जम्मू कश्मीर की तारीख में नहीं हिंदुस्तान की तारीख में आप देखिए
कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई डिविजनल कमिश्नर 4 साल से डिविजनल कमिश्नर है। क्या ऐसी काबिलियत है डिविजनल कमिश्नर में? रीशफल होना चाहिए। 6-6 महीने के बाद डीसी चेंज होते हैं, 3-3 महीने के बाद एसएचओ चेंज होते हैं। ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है इस डिविजनल कमिश्नर में? ये एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। मैं सब बात आपको करूंगा, आपको इमीडिएटली एलजी साहब जो हैं, और इनका रिकॉर्ड चेक किया जाए, इनकी जमीनों का भी रिकॉर्ड चेक किया जाए, और उसके बाद जिसे कहते हैं हमारे जज्बात है जो मैं आज बोल रहा हूँ आपसे, जम्मू में जब से जम्मू की स्टेट बनी है आप देख लीजिए ऐसी कौन सी इन्होंने, जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी और इससे पहले से कहते हैं 4 साल से डिविजनल कमिश्नर, कभी आपने सुना? जम्मू कश्मीर की तारीख में हमने नहीं सुना कि 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल तो कहने हैं। और दूसरी बात, डिप्टी कमिश्नर भी थे ये जम्मू के, तो मेरी गुजारिश ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में साफ और शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। और बड़ी मज़ेदार बात देखिए, आप हमें कहते हैं कि सरकार जो है एक्शन ले रही है, नाम लीक कर रही है। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो रोशनी की FIR लगी 8/2009 गुलमर्ग लैंड स्कैम, आपको मालूम है उसमें प्राइम एक्यूज कौन है? प्राइम एक्यूज वो हैं जो आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के राइट साइड में बैठे हुए हैं, जो एडवाइजर है उनके, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? आप मुझे बताइए उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? 2009 में FIR रजिस्टर हुई गुलमर्ग लैंड स्कैम में, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी है एडवाइजर साहब के खिलाफ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जिसके मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, लेकिन वहां एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया।